हेलो एवरीवन, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज पर। इससे हमने पहले एक वीडियो बनाया था, पहले में हमने एक क्वेश्चन किया था, अब उससे रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें इस टाइम पहले हमें क्या दे रखा था, पूरा एक्स एन अलग अलग दे रखा था डिस्क्रीट पॉइंट पर। इस बार डिस्क्रीट में न होकर इस बार पूरा फंक्शन ही दे दिया हमें, ठीक है। तो हमें पूछा गया फाइंड द डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज एंड फाइंड इट्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ही बताने और फोरियर सीरीज भी बतानी है। तो इसको जब साइन और कोसाइन हमें दिखे तब हम उसकी फोरियर सीरीज कैसे फाइंड करते हैं भाई साहब, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पहले यूलर फॉर्मूला। तो यूलर आइडेंटिटी, तो वो क्या होती है, अगर हमारा कोस थीटा है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाय टू। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा माइनस कितना, यहाँ पे देखो इधर ई की पावर माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, इतना डिफरेंस है बस। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला हमें दे रखा हमें एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू कोस पाई बाय फोर एन। सबसे पहले इसका हमें बताओ कितना ओमेगा नोट कितना दे रखा हमें, जो एन का कोएफिशिएंट होता है वही क्या होता है, ओमेगा नोट होता है, ठीक है। तो पाई बाय फोर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसकी डिस्क्रीट टाइम फोर सीरीज की, कैसे लिखते हैं हम एक्स एन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समीशन यहाँ पे क्या होता है ओवर ए पीरियड, यहाँ पे मैंने कह दिया एन नोट, यहाँ पे होता है क्या सी के ई की पावर जे ओमेगा नोट के एन, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से बस हमें क्या करना, इन्हें ई की पावर बनाना है, वहाँ से जो इसके कोएफिशिएंट होंगे वो हमें सी के दे देंगे। ओमेगा नोट हमें पाई बाई फोर ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसको लिखते हैं, देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, एक्स ऑफ एन क्या हो जाएगा हमारा ई की पावर, मैंने बताया था जो भी है आई आई यूज़ करो या जे यूज़ करो, चलो मैं जे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई यूज़ करो क्योंकि सब में फिर मैं जे यूज़ करूँगा, आई यूज़ करो जे यूज़ करो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। तो जे पाई बाई फोर एन हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस जे पाई बाई फोर एन हो जाएगा भाई साहब, डिवाइड बाई टू, इसको अलग अलग कर लूँ मैं, वन बाई फोर ई की पावर जे किस फॉर्म में होना चाहिए, देखो यहाँ पे करके जे ओमेगा नोट, यहाँ पे भी के होता है एन होता है, यहाँ पे हमारे पास जे भी है ओमेगा नोट भी है एन भी है, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ई की पावर जे ओमेगा नोट, तो ये हो गया के की जे, यहाँ पे क्या आना चाहिए कि इस पे कोई चेंज ना पड़े इस एक्सप्रेशन पे, वन लिख सकता हूँ मैं क्या, ठीक है, वन लिख दूंगा, तो ई की पावर जे पाई बाय फोर एन ही रहेगा, इसको भी अलग अलग किया ऐसे ही, यहाँ पे जे पाई बाय फोर जे प्लस होता है हमेशा, ठीक है, जब लिखते हैं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जगह के हमें ये वाला एक्सप्रेशन नहीं मिले तो मैं माइनस में लिख दूँ यहाँ पे एन, ठीक है, जो ये ब्रैकेट में लिखा मैंने वही, यानी जो वो के होता है वही क्या ये हो गया के की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, जो अंदर है जो एक्सपोनेंशियल के आगे होता है वो क्या होता है सी, मतलब फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे सी वन कितना आ गया मेरा वन बाई टू, यहाँ पे सी माइनस वन कितना आ गया वन बाई टू, ठीक है, क्या बस यही होंगे सी के, हमें पता सी के क्या होता है पीरियडिक होता है, अगर पीरियडिक है तो इसमें अभी इसका और पीरियड होना चाहिए, अगर ये इसका जो, चलो मैं माइनस वन से शुरू कर देता हूँ जो सबसे छोटा आया, ठीक है, माइनस वन पे इसकी वैल्यू कितनी है वन बाई टू, या जीरो पे, जीरो पे कोई वैल्यू नहीं आया ये, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कहाँ तक पीरियड होना चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, एन जो यहाँ पर ओमेगा नोट इतना हो गया तो एन नोट कितना हो जाएगा टू पाई बाय ओमेगा नोट होता है, यानी पाई बाय फोर आठ आ गया, ठीक है, तो आठ ही हमारा होना चाहिए, माइनस वन से शुरू हुआ कहाँ तक जाएगा सात तक, ठीक है, उसके बाद क्या होगा ये रिपीट करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें सी माइनस वन मिल गया सी वन पे मिल गया, इसके अलावा अभी हमें एक हमें इन वाले इन पर चेक करना क्या आएगा, तो C माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ C माइनस, इसको कैसे लिख लूँगा, माइनस वन ऐड कर इसमें इसका पीरियड ऐड कर दूँ C सेवन, ये कैसा आया अब ये बताओ,
ये आया है यहाँ से, ये जो होता है हमने मैंने पिछले बार पढ़ाया था सी के प्लस एन नोट, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे अगर m लिख लो जनरल के लिए, अगर m यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो जनरल हो जाता है फिलहाल। तो सी सेवन भी हमें किसके बराबर मिला, सी माइनस वन बाई टू के, इसके बाहर तो पीरियड जाएगा नहीं, ठीक है। तो बाकी वाले पीरियड का जो अंदर आ रहे हैं इसके, वो सब क्या हो गए, जीरो हो गए, सब क्या हो गए, सारे के सारे। ये मैं किसके लिए बनाया हूँ, सी के लिए, ठीक है, ये बता रहा कि ठीक है। तो यहाँ पे अभी यही चीज़ क्या होगी, सी के तो पीरियडिक होता है, यही चीज़ क्या रिपीट करेगी इधर, यानी माइनस वन आया, फिर यहाँ पे माइनस एट पर क्या आएगा, वन बाई टू आएगा, ठीक है। नाइन पे क्या आएगा, जीरो आएगा, टेन पे क्या आएगा, वन बाई टू आएगा, इस टाइप चलते चले आएगा, ऐसे इधर क्या होगी, चीज़ रिपीट होगी। तो हमारा कहने मतलब है सी के को अगर हम एक पीरियड पर निकाल लेते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कोई भी कोएफिशिएंट पूछ ले हम निकाल सकते हैं। मान लो अब मैं जनरल फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ये तो वैसे हो गया। अगर मैं जनरल यूज़ करूँ तो सी के प्लस एम एन नोट होता है, इससे क्या होता है मैं कोई भी निकाल सकता हूँ कोएफिशिएंट, ठीक है। मान लो मुझसे पूछा गया होता, बस मुझे एक पीरियड के पता होने चाहिए, मुझे एक पीरियड के पता चल गए, माइनस वन से सेवन आठ होते हैं पीरियड। अगर मुझसे पूछा गया चलो सी 400 बताओ एग्ज़ाम में, अब मैं वहाँ पे इतना बड़ा थोड़ा ही खोलने बैठूँगा, 400 तक गिनूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो सीधा, तो ये सी 400 किसके इक्वल हो जाएगा, सी 400 प्लस एम एन नोट के, एन नोट हमें 8 पता ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको जो हमारा 400 से क्या कर दूँगा, सी के प्लस एम एन नोट के इक्वल कर दूँगा, ठीक है। सिंपली क्या करना है हर केस में, जो भी दे जिस भी कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछी है या पूछेगा कि ये कोएफिशिएंट इस फोरियर सीरीज में आएगा या नहीं, या उस फोरियर की कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करना, के प्लस एम नॉट के इक्वल कर देना। एम जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंटीजर। तो एम के अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ कितनी आएगी, 400 माइनस के अपॉन एन नॉट, एन नॉट की वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है 8। अब मैं क्या करता हूँ, के की, ये के की वैल्यू सारी, के की जिस वैल्यू पे मुझे इंटीजर मिल गई, यानी एम की वैल्यू इंटीजर आ गई मुझे, वही क्या हो जाएगा, सी 400 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डालना शुरू करता हूँ, अगर मैं के कस टू जीरो डाला तो मुझे कितना मिलेगा, एम 400 माइनस जीरो बाई 8, तो ये पूरा कैंसिल हो गया भाई साहब, कितना 50 टाइम्स। तो जब ये क्या है, ये 50 क्या है, ये क्या इंटीजर है भाई साहब, तो इसका मतलब जो जिस पे मुझे इंटीजर मिल गया वही क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी सी 400 किसके इक्वल होगा, सी जीरो के, सी जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। इसी तरह से ठीक है, अगर मुझसे कोई और नंबर पूछा होता, मान लो मुझे बताओ कि ऐसे ही मैं रेंडमली ले रहा हूँ, सी 605 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैंने बताया 605 को क्या कर देना है, के प्लस एम एन नोट के इक्वल कर देना, यहाँ से निकालो उसकी वैल्यू एम की, 605 माइनस कितना हो गया, के अपॉन एन नोट, एन नोट 8 है। तो अब यहाँ पे के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे चेक करो, के की जगह मैंने माइनस वन डाला तो कितना हो जाएगा, माइनस वन डाला तो ये 606 हो जाएगा, 606 8 से डिवाइड नहीं होता, के को जीरो डाला तो 605 हो जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होता, के को स्टूडेंट डाला तो 604 हो जाएगा, ये 604 क्या डिवाइड होता है इससे, 604 को चेक कर लेते हैं, नहीं होता है, 8 7 56 अच्छा 4 4 नहीं होगा, तो 1 पे भी नहीं हुआ, 2 पे देखते हैं 603 हो जाएगा, वैसे भी नहीं होने वाला, 604 4 पे देखते हैं तो 601 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा, 5 पे देखते हैं 600 हो जाएगा, 5 पे 600 हो जाएगा, 600 पे डिवाइड हो जाएगा, k इक्वल्स टू 5 पे आया ये कितना, 600 बाय 8, ये कितना हो जाएगा m, कितनी बार कटेगा इससे, 8 7 56 4 8 5 40 एम, ये 75 क्या हमारा इंटीजर होता है। तो इसका मतलब जो इसकी जो वैल्यू है 605 की किसके इक्वल हो जाए, के कस्ट 5 पाई, यानी सी 605। तो सी 5 की वैल्यू पता चल गई, सी 5 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। इस तरह से कोई भी वैल्यू पूछे हम यही प्रोसेस करेंगे। फिलहाल ये तो पहला था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से बी पार्ट देखो, अब जो भी क्वेश्चन में पार्ट पूछा जाएगा जितने की भी, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब मैं जनरल सीरीज बता रहा हूँ बस, ठीक है।
cos pi by 3n plus sin pi by 4n. तो पहले इनका पीरियड फाइंड कर लो यहाँ से. इसका n1 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय पाई बाय 3 कितना आ गया, 6 आ गया भाई साहब. n2 कितना आ गया, 2 पाई बाय 4 यानी 8 हो गया. तो ओवरऑल पीरियड कितना आ गया, n जो आ गया. LCM कितना आ जाएगा इसका, 6 और 8 का 24, ये क्या हो जाएगा ओवरऑल पीरियड. ठीक है, तो बस यहाँ से लिखना शुरू करो. ओमेगा नोट क्या, ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय एन होता है, एन आ गया 24 यानी पाई बाय 4, पाई बाय 12. बस इसी से करके लिखना अब एक्स एन को इसी फॉर्म में. पहले जनरल फॉर्म में लिखो, कितना हो जाएगा ये 1 बाई 2 ई की पावर जे पाई बाय 3 एन, 1 बाई 2 ई की पावर माइनस जे पाई बाय 3 एन. अभी मैं केवल यूलर फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 ई की पावर जे पाई बाय 4 एन माइनस, साइन में माइनस आता है यहाँ पे, माइनस जे पाई बाय 4 एन. ठीक है, तो मुझे ओमेगा नोट इस बार पाई बाय 12 लिखना है. तो 1 बाई 2 ई की पावर जे, फिर आता है ओमेगा नोट, ओमेगा नोट की जगह मैं लिख लिया पाई बाय 12. अब यहाँ पे मैं भाई साहब क्या लिखूँ कि मेरा पाई बाई थ्री मिले, तो मैं पाई, अगर मुझे पाई बाई थ्री मिले तो मुझे यहाँ पे चार रखना पड़ेगा, चार से ये तीन बार कट जाएगा, मुझे पाई बाई थ्री ऑलरेडी मिल जाएगा. ठीक है, सेम काम मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बार यहाँ पे पाई बाई ट्वेल्व यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना रखना चाहिए, माइनस चार. ठीक है, ताकि मुझे माइनस पाई बाई थ्री मिल जाए भाई साहब. ई की पावर जे पाई बाई ट्वेल्व लिखा मैंने, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि मुझे वो मिल जाए पाई बाई फोर मिल जाए, तो मैं यहाँ पे थ्री लिख लूँ. ठीक है, तो तीन से ये चार बार कट जाएगा, मुझे ओरिजिनल वही मिल जाएगा. इसको कैसे लिख लूँ मैं, ई की पावर जे पाई बाई ट्वेल्व यहाँ पे कितना लिख लूँ, माइनस थ्री. ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया ये किसका सी फोर है, ये सी फोर आ गया 1 बाई 2, सी माइनस फोर आ गया 1 बाई 2, और C 3 आ गया हमारा कितना 1 by 2, और C माइनस 3 आ गया कितना माइनस 1 by 2. अच्छा, साइन में शायद J होता नीचे, एक सेकेंड मैंने गलती कर दी है, बाय मिस्टेक सॉरी, यहाँ पे होता J. अच्छा, वो साइन का भी कुछ नहीं किया था, नहीं तो मिस्टेक हो जाती, यहाँ पे J होता है. ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, तो ये 1 by 2 J कर दिया, तो इसको अलग अलग करूँगा, यहाँ पे क्या आएगा J आएगा. ठीक है, ये सॉरी फॉर मिस्टेक इट. ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 बाई 2 जे आ गया, और ये कितना आ गया माइनस 1 बाई 2 माइनस जे. ठीक है, ये इतना आ गया, तो बस हमें पता चल गया ये आ गया पीरियड कितने का, एन जो हमारा कितने का 24 का है ना. तो 24 में इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं किसी भी नंबर से शुरू कर लूँ, मेरी मर्जी. ठीक है, माइनस 3 से या माइनस 4 से, चलो माइनस 4 से ही शुरू करता हूँ. माइनस फोर पे वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी 1 बाई 2, माइनस थ्री पे कितनी दे रखी है, इसको कैसे लिख लो, मैं केवल शो करने के लिए लिख रहा हूँ, माइनस 1 अपॉन माइनस, नीचे ये डिनोमिनेटर में है जे. ठीक है, यहाँ पे भी माइनस 1 बाय 2 जे. आगे देखो और क्या पता है मुझे, तीन पे और चार पे पता है, तो यहाँ पे देखो मैं तीन लिख देता हूँ, यहाँ पे चार लिख देता हूँ. तीन पे कितनी है 1 बाय 2 जे, और 4 पे कितनी है 1 बाय 2. तो अब बाकी का क्या होगा, अगर मैं माइनस 4 से शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ लास्ट में क्या होगा 20, क्योंकि 20 माइनस माइनस 4 24 होता है. ठीक है, तो जो माइनस देखो इसका, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, C 20 की वैल्यू निकालो, C माइनस 4 बराबर माइनस, इसमें पीरियड ऐड कर दूँ मैं इसका C 20, तो C माइनस 4 की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 बाय 2. तो इसके अलावा बीच वाले सब क्या होंगे, जीरो होंगे. यहाँ पे माइनस टू क्या होगा, जीरो, माइनस वन भी जीरो, जीरो पे जीरो, वन पे जीरो, टू पे जीरो. ठीक है, ये सब क्या होते आ रहे हैं, जीरो होते आ रहे हैं. तीन पे मिल गई, चार पे मिल गई, पांच पे जीरो, ऐसे ही करते करते कहाँ तक, 20 तक हमें मिलेंगे, 19 तक जीरो, 20 पे मिलेगा. उसके बाद क्या हो रहा है, ये चीज़ रिपीट हो रही होगी इधर, है ना, जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा था. अब किसी भी पूछ ले कितने लंबे कोएफिशिएंट की वैल्यू. ठीक है, हमें एक पीरियड की मिल चुकी है ऑलरेडी, इसके इसी पीरियड में से होगा जो भी होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, सी भी सेम है, सी भी सेम है. देखो
cos square pi by 8n. x n दे रखा मैं, cos square pi by 8n. ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट तो हम नहीं लगा सकते, हम क्या करेंगे, पहले इसका cos 2 थीटा फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होता है, 1 प्लस cos, इसका एंगल का डबल कर देते हैं, यानी 2 pi by 8 हो जाएगा, by 2 होता है. ठीक है, मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये pi by 4 n. cos pi by 4 n हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन किया था, तो मैं इसको वहीं से देख कर कॉपी करके लिख देता हूँ. यहाँ पे क्या होता है, e की पावर j pi by 4 n. ठीक है, कोएफिशिएंट पे कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी इस पे जो हमें आने तक कोएफिशिएंट वही आएंगे, उनका बस वैल्यू चेंज हो जाएगी. 1/2 1/4 e की पावर j, इसका कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट पाई बाई फोर. यहाँ से लेना है, इसको नहीं लेने ना, पाई बाई एट ले लो कभी, कहाँ से लेना, यहाँ से लेना. तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ओमेगा नॉट आ गया हमारा कितना, पाई बाई फोर, और n नॉट कितना आ जाएगा, 2 pi by 4. तो n नॉट भी इसका कितना आएगा, 8 आ जाएगा. ठीक है, j ओमेगा नॉट पाई बाई फोर है, एन की जगह में ये 1 रखना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे. यहाँ पे ये 1/4 हो गया, ई की पावर जे पाई बाई फोर माइनस 1 एन. ठीक है, तो यहाँ से बस कंपेयर कर लो. तो इस बार कॉन्स्टेंट टर्म मिला, कॉन्स्टेंट क्या होता था, एवरेज वैल्यू, यानी सी जीरो. सी वन मिला कितना, 1/4. सी माइनस 1 कितना मिल गया, 1/4. किसके इक्वल होगा ये, सी माइनस 1 प्लस 8, यानी सी 7 के. इसको अगर मैं पीरियड में लिखना चाहूँ तो मुझे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 0 पे वैल्यू कितनी, 1/2. माइनस 1 पे वैल्यू कितनी, माइनस 1 पे वैल्यू 1/4. ठीक है, 1 पे वैल्यू 1/4. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे आके मुझे क्या, 1/4. बाकी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, बीच वाली 0, जिन पर कुछ नहीं मिला. इसके बाद क्या हो रहा होगा, ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट रिपीट हो रहे होंगे. ठीक है, आसान है काफ़ी, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा. ठीक है, बस पीरियड उसका लिख देना है, पीरियड के अकॉर्डिंग हम पता लगा देना, कोई भी एक पीरियड सेलेक्ट कर लो, उसके कोएफिशिएंट पता कर लो, उसके बाद दुनिया का कोई भी कोएफिशिएंट पूछ ले हमसे, ठीक है, निकाल देंगे आराम से. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.